नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट बेतालुक में। मेरे साथ एस के झा सर हैं और देश के बड़े अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ, और आप लगातार झा सर की क्लास से लाभान्वित भी हो रहे हैं। चयन के लिए जरूरी होता है कि आपको अच्छी क्लासेज मिले, रूटीन में क्लासेज मिले, अनुशासित क्लासेज मिले, और क्लासेज ऐसी फैकल्टी से मिले जिनके निर्देशन में बहुत सारे लोग चयनित होकर अलग अलग जगह कार्य कर रहे हों। टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आलोक सर के कुशल निर्देशन में हम लोगों ने प्रयास किया है, जो पीसीएस प्रीकम मेंस का हम लोग बैच संचालित कर रहे हैं, जिसमें देश की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टीज को हम लोगों ने एक मंच पर इकट्ठा किया है, और लगातार आपकी कक्षाएं शुरू भी हो गई हैं। प्रतिदिन लगभग लगभग प्री और मेंस की अगर हम लोग मिलाकर देखें तो 10 घंटे की क्लास संचालित हो रही है। इसी क्रम में जहां सर प्रत्येक सप्ताह अपने व्यस्तम रूटीन में से कुछ समय संस्था के लिए निकालकर आते हैं, अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करते हैं और बहुत नई नई बातें हमें बताते हैं। मैं स्वयं भी सर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं शुरू से ही, और मैं डेली कुछ ना कुछ सर के अनुभवों से सीखता हूं, सर की बातों से सीखता हूं, और संस्थान में भी बहुत सारी चीजें सर के मार्गदर्शन में अच्छे से संचालित हो रही हैं। मैंने सर से आग्रह किया कि सर पढ़ाई लिखाई केवल एक ऐसा रास्ता नहीं है चयनित होने के लिए, क्योंकि सर का लगभग 20 वर्ष का अनुभव है पढ़ाने लिखाने में। तो मैंने सर से अनुरोध किया कि सर जो भी इस मंच से जुड़े हुए लोग हैं, आप कुछ ऐसी बातें उनको बताएं जो इनके चयन में एक महती भूमिका निभा सके अपने अनुभवों के आधार पर, या कुछ ऐसा बताएं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है, अगर आप समाज की मुख्य धारा से थोड़े से कटे हुए हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, या आपने कभी पहले कोचिंग की है और अब आप निरंतरता उसमें नहीं ला पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो आपके चयन में बाधक हैं। तो मैंने सर से एक अनुरोध किया, आग्रह किया कि सर पढ़ाई लिखाई के इतर थोड़ी सी कुछ ऐसी जरूरी बातें, कुछ ऐसी सामग्री आप लोगों को बताएं जिससे निश्चित रूप से आप लोगों का लाभ हो, और सफलता की जो यात्रा आप लोगों ने हम लोगों के साथ शुरू की है, बहुत सारे लोग बैच से जुड़े हुए हैं, सफलता की जो यात्रा आपने हम लोगों के साथ शुरू की है, उस यात्रा में जो भी कमी रह जाए, चाहे वो मोटिवेशन के तौर पर हो, चाहे वो अनुभवों के तौर पर हो, चाहे वो पढ़ने लिखने के तरीकों पर हो, चाहे हिंदी माध्यम के रिजल्ट पर हो, और चाहे वो पीसीएस का नया पाठ्यक्रम हो, सर बिंदुवार सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, और यह चर्चा इतनी प्रीशियस है कि निश्चित रूप से आपके लिए आने वाले समय में बहुत प्रेरणादायक और लाभदायक सिद्ध होगी। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम सब कुछ आपसे सीखें, और पढ़ाई लिखाई तो हम सभी लोग मेहनत से कर ही रहे हैं, इसी क्रम में कुछ ऐसा बताएं कि और अच्छा हो और बेहतर हम लोग कर सकें। 2 मिनट बाद सर प्रारंभ करेंगे, उससे पहले मैं संस्था में चल रहे बैच के बारे में आपको जानकारी दे दूं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बैच अलग अलग संचालित हो रहे हैं, ये आपके व्हाट्सएप नंबर है ये प्रारंभिक परीक्षा के बैच से जुड़ने के लिए, और ये मुख्य परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बैच से जुड़ने के लिए आपको इन व्हाट्सएप नंबर्स पर एंट्री लिख के भेजना है। जैसे आप एंट्री लिख के भेजेंगे, हमारी तकनीकी टीम आपसे संपर्क करेगी, या नीचे स्क्रॉलिंग में जो नंबर चल रहे हैं आप इन नंबर पर फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। प्रत्येक दिन मेंस की और प्री की मिला के लगभग 10 घंटे की क्लासेस संचालित हो रही हैं। एक सप्ताह हमारे बैच को हो चुका है, और हम लोगों ने टारगेट लिया है 21 जून को आपका प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है, उसके ठीक एक माह पहले हम लोग प्रारंभिक परीक्षा की कक्षाएं समाप्त कर देंगे, और 15 अक्टूबर से आपका मेंस का पेपर है, तो 20 सितंबर तक हम लोग मेंस की कक्षाएं भी समाप्त कर देंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जो संस्थान के वीडियोज गए हैं पीसीएस बैच को लेकर, उसमें जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने रिव्यू और फीडबैक किया है, आप वहां पर देख सकते हैं कि कितनी अनुशासित तरीके से क्लासेस चल रही हैं। अब मैं सर से सादर आग्रह करूंगा कि सर अपनी बात प्रारंभ करें। देखो, आप सारे कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पीसीएस की, कुछ लोग दोनों की, और कुछ लोग अन्य एग्जाम की। सफलता असफलता तो अंत का चीज है, लेकिन उससे पहले की जो सारी चीजें हैं वो आपके हाथ में हैं, वो मेरे हाथ में हैं। क्योंकि इधर देखा गया है कि हिंदी मीडियम के छात्रों का रिजल्ट काफी खराब होता है, और लाख कोशिश के बाद भी उसमें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। तो यहां पे मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे जो लगता है आप हो सकता है उसे सहमत हो सकता है सहमत ना हो, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके सामने इसे रखूंगा। और
आखिर समस्या है क्या? मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन ये 26-27 साल हो गया और मैं पढ़ाता हूँ ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में, ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। तो जब मैं देखता हूँ अपने नॉर्थ इंडिया के बच्चों को, हिंदी मीडियम को, तो मुझे फील होता है कि इससे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे, जो रॉ टैलेंट होता है, वो पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं है, हकीकत है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट इनका ही ज़्यादा ख़राब है। जब मैं दूसरे क्षेत्र में जाता हूँ जो हिंदी मीडियम के नहीं हैं, ठीक है, बच्चे वहाँ भी अच्छे हैं, लेकिन जो रियल टैलेंट है वो हमारे इस तरफ है, ठीक है, जो हिंदी बेल्ट वाले, लेकिन फिर भी रिजल्ट सही नहीं जा रहा है। तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? तो कारण जो है, ठीक है, समझने को कोई तैयार नहीं है। कारण समझने को तैयार नहीं है। किसी ने बड़ा सही कहा है, झूठ बहुत तेजी के साथ दिखता है क्योंकि सच खरीदने की आप में ताकत नहीं है। शायद अगर आप, ठीक है, सच को समझें तो आपको फायदा होगा। मेरा ये मानना है कि आपको जिस तरीके से आप पढ़ते हैं या जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका यूपीएससी से दूर दूर तक या पीसीएस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये आपका जो अप्रोच है ये पूरी तरह से आउटडेटेड है। 2013 तक, ठीक है, मैं बात यूपीएससी कर रहा हूँ, तक तो ये किसी तरह काम चल जाता था, लेकिन ठीक है, अब ये मैंने कहा कि पूरी तरह से, ठीक है, बिल्कुल ही आपके काम का नहीं है। ये बात वही हो गई कि आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं स्विमिंग की और आपको भाग लेना है मैराथन में, ये कैसे पॉसिबल है? तो अप्रोच का अंतर होता है। ठीक है, टैलेंटेड आप हैं, मेहनती में आपके बाद ही किसी का नंबर आता है। तो आखिर आपका अप्रोच होना क्या चाहिए? आपका अप्रोच है क्या और होना क्या चाहिए? तो आपका अप्रोच, ठीक है, क्या होना चाहिए उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं, ठीक है, कुछ चीजें आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखो, संस्कृत में, ठीक है, एक श्लोक है जो मुझे नहीं पता, ये याद नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग पता है, जिसका मीनिंग यह है कि तीन चीजें आपके लिए आवश्यक हैं और इस तीनों के बाद ही परफेक्शन होगा। ठीक है, एक है पढ़ना, सुनना और लिखना, पढ़ना, सुनना और लिखना, ठीक है, और इन तीनों का बराबर का योगदान है, मान के चलो एक तिहाई। यानी जब तक आप ये तीनों काम नहीं करेंगे, पढ़ने का काम, सुनने का काम, लिखने का काम, ठीक है, तब तक परफेक्शन नहीं होगा, कहीं ना कहीं, ठीक है, आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन इसका सिक्वेंस क्या हो, इसका सिक्वेंस क्या हो, ठीक है, आपको किस सिक्वेंस में तैयारी करनी है? तो सबसे पहला सिक्वेंस होता है सुनना, टू लिसन, ठीक है, और सुनने की आप में आदत नहीं है, आप सुनना चाहते, सुनते नहीं है। आप एक लर्नर हैं और एक अच्छा लर्नर वही होता है जो एक अच्छा लिसनर होता है। जब तक आप में सुनने की आदत नहीं होगी तो सीख नहीं सकते आप। अब देखें, एक बच्चे का जन्म होता है तो जो जन्म से ही बहरा है, तो अगर जन्म से बहरा है तो गूंगा भी होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं तो कभी सीखेगा नहीं, वो बोल ही नहीं पाएगा। वही चीज आपके साथ हो रहा है, ठीक है। आप जहां भी मैं देख रहा हूं, ठीक है, सबसे पहला काम आप करते हैं, ठीक है, आप प्रेफर करते हैं कि टीचर क्लास में आए और आपको डिक्टेट करे। कुछ शिक्षक भी करें, ठीक है, क्लास में आते हैं और सीधे डिक्टेट करते हैं, ये लिखे आप, और ये आपसे कहा जाता है कि लिखने के बाद जो है आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। सॉरी टू से, राइटिंग स्किल यहां तैयार नहीं होता है, राइटिंग स्किल यहां तैयार होता है, ठीक है। चीजें यहां होगी तभी आपका हाथ चलेगा, यहां नहीं होगी हाथ ही चलेगा, ठीक है। लिख लिख के मोटे मोटे नोटबुक बना करके बच्चे थक गए लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। तो सबसे पहला काम होता है टू लिसन, टीचर का काम होता है, ठीक है। अब देखो, मैं अपनी बात करूं कि 50 घंटे में, 100 घंटे में, 150 घंटे में क्या इकॉनमी को खत्म किया सकता है? पॉसिबल नहीं है। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, पहले मैंने खुद भी पढ़ा था, अभी तक बहुत सा चीज बचा हुआ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला काम मेरा रोल है टीचर का, बच्चों को कंफर्टेबल बनाए, सब्जेक्ट की समझ को विकसित करे, ठीक है। ये सब्जेक्ट ऐसे ही आप देखोगे बहुत ही डायनामिक है, जब तक एक बार चीजें समझ में आती है तब तक सब कुछ बदल जाता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण, जब तक आपके समझ में आएगा तब चेंज हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का क्या कारण है।
तो सिर्फ जो है, ठीक है, मेरा काम आपको है, शिक्षक का काम होता है कि आपको पढ़ाए, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करे, जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन का उसके अनुरूप पढ़ाए, आपको इन्वॉल्व करे, ठीक है, छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा आपको चीजों को सरल बनाए, आपकी समझ को विकसित करे, ठीक है। और एक बार जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तो आप इस पोजीशन में आ जाएं कि सब्जेक्ट को लेकर के आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएं। एक बार जैसे आप कंफर्टेबल हो जाए तो फिर आप रुक नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काम आता है, ठीक है, टू रीड, यानी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज क्लास में नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आप फिर कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तो कवर करने का, ठीक है, तरीका होता है दो, एक होता है बिना समझे हुए, एक होता है समझ करके। तो अगर आपको टीचर ने सही ढंग से पढ़ाया, क्लास में आपको सही ढंग से पढ़ाया गया, सब्जेक्ट की समझ है, तो आप जो है समझ के पढ़ेंगे तो आपको फिर, और बिना समझे अगर आप पढ़ते हैं तो वो रटने का काम होता है, जो बहुत ही बोरिंग है और उसमें आप कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको सब्जेक्ट की समझ है तो फिर सब्जेक्ट को पढ़ना, कवर करना आपके लिए आसान होता है, और कम से कम समय में आप ज्यादा ज्यादा चीजों को कवर करेंगे। और उसके बाद जो है सबसे अंत में आता है टू राइट, यानी लिखना। जब आप लिखते हैं तो आपका जो है योर हैंड इज गोइंग टू फॉलो योर माइंड, यानी आपका जो हाथ है वो आपके माइंड को फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शन यहां से आएगा और तब आपका हाथ चलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस आता है, ठीक है, पहले सुनना, ठीक है, क्लास लेक्चर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसी दिशा में यहां टारगेट विद आलोक में यहां पे काम हो रहा है, ठीक है। क्लासेस ऑनलाइन है, ठीक है, आप मानते हैं कि हमारा जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन ही हो रहा है यहां पे, ठीक है, कोशिश की गई है, और नतीजा तो आप ही बताएंगे कि हम लोग कितना सफल हैं, कि जितने भी इस फील्ड के रेपुटेड या जाने माने टीचर हैं जो बहुत एक्सपीरियंस है उनको एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे कि आपको हाईएस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिले और रिजल्ट को इम्प्रूव करने में आपको मदद मिले। लेकिन ठीक है, सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम आपको ही देना है, पढ़ना आपको ही है। तो मेन चीज है आपको एक डायरेक्शन देना, ठीक है, हमारा काम भी है मार्गदर्शक, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आप दीवारों पे धक्के लगा रहे हैं। अब दिन भर खड़े होकर दीवारों पे धक्के लगाओगे तो वेयर द रिटर्न, रिटर्न कुछ भी नहीं है, तो वही आपका मेहनत बेकार चला गया, ठीक है। लेकिन मेरा काम सिर्फ यह है कि आपको वहां से हटा करके और गेट तक पहुंचाना, बस ये मेरा काम है। अब मेहनत अभी भी आपको करना है, लेकिन चूंकि आप गेट पे जाके मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज जो है बहुत मैटर करता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा क्लास लेक्चर, क्लास लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट। एक टीचर चाहे तो आपके सब्जेक्ट को आसान बना सकता है और नहीं तो मुश्किल बना सकता है। उसके बाद मैंने कहा पढ़ना, ठीक है, आप पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे तो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, ठीक है, आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा, आप कहां से पढ़ेंगे। तो मेहंदी माध्यम के मैक्सिमम बच्चों को हमने देखा है कि उनका सोर्स जो है वो सोशल मीडिया है, ठीक है, और ये भी आपके विफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। कट एंड पेस्ट, ठीक है, कट एंड पेस्ट, ठीक है, जिसको देखो गूगल, बुक कोई पढ़ने को तैयार नहीं है। बड़े लोगों को सुने, ठीक है, बड़े लोगों को पढ़ें और अपनी सोच को क्या करें, ऊपर करें, ठीक है, आगे बढ़ाएं, तभी जा करके आप यूपीएससी से मैच कर पाएंगे, ठीक है। यूपीएससी ने तो अपना लेवल बढ़ा दिया, स्टेट पीसीएस के लेवल भी बढ़े और आपका लेवल यही कहीं रह गया, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले दोनों एक ही लेवल पे थे, यूपीएससी या पीसीएस अपने लेवल को निरंतर बढ़ा रहा है और आप यही हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके लेवल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए और यहां तक पहुंचा जाए। ये काम कहां से होगा, तो क्लासरूम से होगा, ठीक है। तो टीचर का काम है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करे, आप इन्वॉल्व हों, ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, हम दोनों इंटरेक्ट करेंगे। और इस संदर्भ में भी इस संस्था में व्यवस्था की गई है कि स्पेशल, ठीक है, जहां पे क्लासेस होती हैं, जहां पे आप जो है मुझसे या जो भी आपके शिक्षक हैं उनसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और वो ऑनलाइन आपका जवाब देंगे। तो जब तक आप पढ़ेंगे, किसी भी तरह का आपको डाउट होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा फिर से कहना है कि सिर्फ मेरे और मेहनत से कुछ नहीं होगा, अब मेहनत आपको भी करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको सफल बना सकता है तो आप खुद हैं, ठीक है, हमारा सिर्फ उसमें सहयोग रहेगा। बहानेबाजी से बचें, बहानेबाजी से बचें, क्योंकि बहाना जो है अपने कमजोरियों को ढकने का एक सबसे आसान जरिया है। सच को स्वीकारने का, ठीक है, किसी में हिम्मत नहीं है, ठीक है। पहले आप कभी जो है बहाना देते हैं, कुछ दिन पहले की बात है, पहले बहाना दिया, रिजल्ट खराब हो गया, सी सेट कारण है,
ठीक है, मैं उस वक्त कहता था कि सीसेट मात्र क्या है, एक बहाना है, ठीक है, सीसेट चला गया रिजल्ट और खराब हो गया। अब आप बहाना दे रहे हैं कि जो है यूपीएससी भेदभाव करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम के मैक्सिमम बच्चे, ठीक है, उनकी राइटिंग बहुत ही वीक है। आप सबसे पहला काम करें कि आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करें, राइटिंग मतलब क्वेश्चन आंसर नहीं, ठीक है, आप किसी चीज पे लिखें, आप इस लेवल पे आ जाएं, ठीक है, कम से कम आप जो है जो चीज समझ पा रहे हैं उसी को बिल्कुल एक नॉर्मल वे में एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, एज इट इज। ये जब होगा ना तो फिर आपको पढ़ने मन लगेगा कि चीजें एक बार समझ में आ गई तो आप एज इट इज उसको अच्छी भाषा में, सरल भाषा में लिख सकते हो, उसके बाद देखना भीतर से कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यहां दिक्कत क्या हो रहा है कि मैं जब बच्चों की कॉपी देखता हूं तो हिंदी मीडियम के बच्चे चार लाइन शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकते हैं और वो ब्लेम करते हैं यूपीएससी को। तो पहले तो अपना इस पे काम करें, ठीक है, और इस लेवल तक काम करें। आप टाइम ले, तैयारी से पहले जो है आप महीने दिन का टाइम ले, दो महीने का टाइम ले, तीन महीने का टाइम ले, और आप इस लेवल पे पहुंच जाएं। सीख के कोई नहीं आता है, ठीक है, सीखना पड़ता है। तो आप इस लेवल पे पहुंच जाएं कि जो भी चीज आप फील करते हैं तो चूंकि आपको जो मार्क्स आता है वो क्या आप सोचते हैं या फील करते हैं उस पर नहीं आता है, बल्कि क्या आपने एक्सप्रेस किया है, क्या आपने लिखा है। ठीक है, तो जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, शुद्ध और सरल भाषा में आप अगर एक्सप्रेस कर सकें तो यहां तक पहले पहुंचे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही होगा, तो पढ़ने का तरीका वहां से भी आपका बदलेगा, क्योंकि उसमें फिर रटने का जरूरत नहीं रहेगा। तो ये जो है, ठीक है, गलत फहमी है, ठीक है, कि और कारण है जो असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका ही पूरी तरह से गलत है। ठीक है, क्लास में खड़े होके लिखवा देने से राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होती है, नतीजा, ठीक है, रिजल्ट आप देख ही रहो। ठीक है, लिख लिख के बच्चे थक गए, लिखवा लिखवा करके शिक्षक भी थक गए। ठीक है, जो टीचर पढ़ाना भी चाहता है, ठीक है, आप बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि सर तो कुछ लिखवाते नहीं है। ठीक है, तो राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगी। तो अंत में हमें भी, ठीक है, बाजार के रुख की तरफ जाना पड़ता है, हम भी क्या कर सकते हैं, हमारा भी ये प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें मैं अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि जहां तक मेरा अपना मानना है कि हमारे क्षेत्र के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं टैलेंट में द बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ाते हुए करीब 26-27 साल हो गए, और शायद ही, ठीक है, करीब मैं 22 या 23 राज्यों में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ और मैं पूरी इंडिया पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस चीज़ की पूरी जानकारी है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपनी कमजोरियों को कोई देखना नहीं चाहता है। ठीक है, उस पर काम नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी का सहारा लेकर के अपने कमजोरियों को आप ढकते हैं तो वहीं के वहीं रह जाते हैं, बाकी लोग निकल गए। ये काम छोड़ें, ठीक है, आप सच्चाई को बर्दाश्त करें। ठीक है, आप इतने कैपेबल हैं कि आप उसको दूर कर सकते हैं और आप निश्चित रूप से सफल बनेंगे। यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। सिर्फ आप अप्रोच को चेंज करें और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके आपको इस फील्ड में बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, चाहे जिस रूप में, तो आपका सजेशन जो है वो भी चाहिए, क्योंकि, ठीक है, आप भी हमारे जज हो, आप जो है, ठीक है, कमेंट करेंगे, आप अगर बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये लर्निंग प्रोसेस है, आप मुझसे कुछ सीखें या ना सीखें ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं हमेशा अपने बच्चों से ही कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ठीक है, थैंक यू।